हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिनी अलेक्सा का क्लोन। इसको पर्सनल यूज के लिए मैंने क्रिएट किया है। काम क्या है इसको वो देख लेते हैं। जे इसकी लुक है प्रोजेक्ट की, इसको स्पेशली मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए क्रिएट किया है, इसीलिए इसकी लुक ऐसी बनाई है। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं एक्चुअल में जो काम करेगा कैसे। मेरे पास दो बटन है, एक ओपन का एक जहाँ पे स्पीक का। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कमांड इसको दे सकते हैं टाइप करके, नहीं तो बोल के। काम क्या करेगा, आपने कोई भी फंक्शन ओपन करना है लैपटॉप के अंदर, इवन सॉन्ग प्ले कराने हैं, तो आपने सिर्फ एक उसको कमांड देनी है, अपने आप सॉन्ग प्ले हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे पहले टाइप करके देखते हैं। मैंने जहाँ पे पेंट लिखा तो इसको जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे ओपनिंग लिखा नजर आना, मेरे पास पेंट ओपन हो गया। ऐसे ही मुझे कोई सॉन्ग प्ले करना, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी प्ले सॉन्ग, जैसे ही प्ले सॉन्ग लिखेंगे इसको अगर मैं ओपन करूँ, साथ में आपको एरर भी बताएगा। जहाँ पे अगर कोई भी एरर हुई तो आपको यहाँ पे बता देगा मेरे पास सॉन्ग प्ले हो चुका है। आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सॉन्ग के साथ। सॉन्ग प्ले हो गया, देन इसको हम बंद कर देते हैं। एक ही सॉन्ग नहीं, आप मल्टीपल सॉन्ग ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम इसको बोल के कमांड देते हैं, ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इसको बोलेंगे, स्पीक पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फाइल ओपन होगी, प्ले सॉन्ग। अब देखो इसने मेरी कमांड फॉलो कर दी। जैसे ही हमने बिल्कुल सही कमांड देनी है, अब यहाँ पे देखो टाइप कर दिया इसने प्ले सॉन्ग की कमांड। तो हम जहाँ पे जो भी सॉन्ग ऐड करेंगे वही ये सॉन्ग प्ले करता जाएगा। आपने कमांड देनी है कौन सा सॉन्ग प्ले करना है वो आपने बताना है। मैंने प्ले सॉन्ग के साथ एक सॉन्ग ऐड किया है, उसने वो प्ले कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं जहाँ पे सीएमटी टाइप करूंगी, सीएमटी मुझे ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सीएमटी ओपन हो जाएगा। कुछ भी आपने ओपन करना है, इवन जहाँ पे अगर हम टाइप करें, मैंने क्रोम को ओपन करना, तो मैं जहां पे लिखूंगी क्रोम ओपन, यहां पे लास्ट में ऐसे आएगा, फुल स्टॉप लगाना है। क्रोम पे क्लिक किया तो यहां पे क्रोम ओपन हो गया। थोड़ा सा वेट करना, अपने आप ये ओपन कर देगा। अब जहां पे ये वाला जो प्रोजेक्ट है हम क्रिएट करेंगे, रिएक्ट जीएस बैकएंड का कोड होगा इसके साथ, नोड जीएस या फिर एक्सप्रेस जीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। जहाँ पे CSS फाइल मैं नहीं करवा रही आपको, जहाँ पे CSS का कोई काम नहीं है, बस आपने फ्रंट एंड नहीं सीखना, आपने बैक एंड सीखना है, ठीक है। वर्किंग कैसे होगी वो आपने सीखनी है। फ्रंट एंड आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ही आपको डिजाइन करना हो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऐप डॉट जी एस पेज है, बीट फोल्डर है, इसी के अंदर कोड लिखेंगे फ्रंट एंड। बैक एंड का कोड सर्वर डॉट जी एस फाइल मैंने बनाई है, यहाँ पे ये है सर्वर डॉट जी एस फाइल, इसके साथ रखेंगे बैक एंड। तो यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट जी एस पे, एक डिव लगाया है, इसको क्लास नेम ऐड कर रही हूँ ऐप, ताकि इसको डिजाइन कर पाऊँ मैं। H1 के अंदर मैं एक हेडिंग लिख देती हूँ, AI वॉइस कमांड सेंटर। यहाँ पे आना है, एक इनपुट फील्ड लगेगी जिसके बीच आप टेक्स्ट फिल करेंगे, टाइप इसको मेंशन करेंगे टेक्स्ट की, एक इसके ऊपर वैल्यू लगानी है। ये वैल्यू हम रखेंगे कमांड नाम की, ये वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, इसको बस डिफाइन करना है बाद में। प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं ताकि यूजर को पता चल जाए कि एंटर क्या करना है, टाइप कमांड और यूज वॉइस। हम यहाँ पे कमांड भी यूज करेंगे, लिख के भी बोलेंगे, इसको बताएंगे कि ये वाला ओपन करो, और हम यहाँ पे विद वॉइस भी करेंगे। ये हो गए इनपुट फील्ड रेडी। अगर यहाँ पे चलते हैं तो एक यहाँ पे एरर आएगी, कॉन्स्ट क्रिएट करो, यहाँ पे कमांड सेट कमांड कर दो, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया हमने, यूज किया है। यहाँ पे लगेगा एक यूज स्टेट, फिलहाल इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। तो ये आगे मेरे पास इनपुट फील्ड थी, ठीक है। एक जहाँ पे हमें चाहिए बटन, बटन के साथ एक हमें चाहिए, इधर मैं बटन लगाऊंगी इसके ऊपर। ये वाला जो बटन होगा क्लिक वाला नहीं, हम जहाँ पे ओपन लिखेंगे, बटन लग गया। अब बारी आती है एक और दूसरा बटन लगाना है, दूसरा जो बटन होगा वो होगा वॉइस का। तो मैं जहां पे एक आइकन यूज करूंगी, तो ये आइकन आप इमोजी के साथ गूगल से कॉपी कर सकते हैं। गूगल से आप जाके कोई भी प्यारा सा एक ये वाला आइकन चाहिए हमें स्पीकर का, जो भी आपको सही लगे वो लगा दो। साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीक स्पीक कमांड। अगर इसको सेव करें तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास रेडी, बस इतना ही है हमारा जो फ्रंट एंड है। उसके बाद हमें एक मैसेज चाहिए, जहाँ वो हम बाद में देखेंगे, मैसेज प्रिंट कराना है। इसके अंदर मैं इमेजेस ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ये वाला जो डिव है, इसके बाद इमेजेस मैं लगा रही हूँ, क्योंकि
मैंने यहाँ पे जो इमेजेस यूज की हैं इसको डिजाइन करने के लिए, ये वाला हटा के जहाँ पे रख देते हैं। इमेजेस मैंने गूगल से डाउनलोड की है, इसका नाम है, तो मैंने जहाँ पे थोड़ी डरावनी सी लुक इसको प्रोवाइड की है, ये है मेरे पास इमेज। अगर इसको रिफ्रेश करें तो इमेज अभी नहीं आई, तो मेरे पास इसका नाम है जे वाला, तो ये है इमेज। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और साथ में इसको लगा रही हूँ क्लास नेम एक, इसका नाम जे वाला लगा देते हैं यहाँ पे, इसको एक वन नाम दे देते हैं। ये है मेरे पास, इसकी डिजाइनिंग पहले से ही है, 2 3 4 5 लगा रही हूँ मैं इमेजेस, सेम इमेजेस, बस ये वाला जो है इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग की हुई है मैंने एनिमेशन से लगा के। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसकी लुक आएगी। ये मेरे पास इमेजेस आ गई सारी, कोई भी प्यारी सी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करना कर सकते हैं, नहीं तो इसका मैंने रिमूव नहीं किया बैकग्राउंड। मेरे पास यहाँ पे CSS फाइल है ये वाली, अब इसकी जो लुक आएगी कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, तो ये मैंने इसको डिजाइन कर दिया पहले से। चलिए, इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट मैंने इसको अपने लिए लुक ऐसी क्रिएट की है। यहाँ पे आते हैं सर्वर पे, पहले सर्वर की फाइल रेडी करते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करना है, इसका नाम एक्सप्रेस रखेंगे, रिक्वायर इसका नाम रखेंगे एक्सप्रेस। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे EXEC, ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली जो एक लाइब्रेरी है, कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए वो देख लो। इसका नाम है चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस ये हमारे लिए हेल्प करेगी जब हमने कोई कमांड ओपन करनी है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कोर्स तो आएगा जहाँ पे मिडलवेयर्स है हमारी, इसके बिना आपके पास एरर आएगी, इसलिए इसको लगा दो। कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस ऐप डॉट यूज, कोर्स को इनेबल कर देते हैं, ऐसे ही एक्सप्रेस को इनेबल कर दो। ये हो गई हमारी मिडलवेयर रेडी, अब इसको लास्ट में जाके कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, पोर्ट नंबर 5000 पे चलेगा सर्वर, ऐप डॉट लिसन, देख लेते हैं सर्वर अगर चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं पोर्ट नंबर। ये होगा जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके यही वाला लगा दो, तो आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा। सर्वर को हम कर देते हैं स्टार्ट, नोड माउंट सर्वर डॉट जेएस। चलिए सर्वर चल पड़ा है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रेडी हैं। अब पहले सर्वर के बीच हम टेक्स्ट वाली कमांड लगाएंगे कि हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो कोई भी कमांड कैसे फॉलो करेगा, इसको एंटर कर दो। तो मैं जहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी, एक मैंने जो लाइब्रेरी यूज की है ना EXE वाली, उसको लगाना है, लेकिन उससे भी पहले हम जहाँ पे लगाएंगे ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट की कमांड ही लगेगी जहाँ पे ओपन करने के लिए। तो मैं जहाँ पे एक रूट बनाऊंगी ओपन नाम का, ये फ्रंट एंड पे बनेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसको जस्ट हमें डिफाइन करके छोड़ देते हैं, इसकी कोडिंग बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट एंड पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि जो हमने रूट क्रिएट किया है वो कैसे करेंगे। जो जो भी हमें चाहिए जहाँ पे आना है आपने, एक तो मैंने ये वाला लगा लिया, ये तो हमारे पास कंपल्सरी है, जो भी कमांड हम लिखेंगे वो इसके बीच आएगी। एक जहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं एक्सियस को, एक्सियस फ्रॉम एक्सियस यहाँ पे ऐड हो गया। एक जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है आपने, कॉन्स्ट इसका नाम मैं रखूंगी स्पीच रेकोगनीशन, ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जहाँ पे इसके बीच हम कोड लगाएंगे वो हमारी वॉइस को सुनेगा कैसे, रिकॉर्डिंग कैसे करेगा, तो अगर कोड रिकॉर्ड होगा तभी वो कुछ ना कुछ ओपन कर पाएगा, उसके लिए ये वाला कोड लगेगा विंडो। विंडो के कैसे साथ क्या होगा, एक विंडो ओपन हो गई जहाँ कैमरा ऑडियो फाइल वहां पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो लैपटॉप है उसका जो ऑडियो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा इसके साथ, जिसको हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। बस इतना ही लिखना है, ये वाला नहीं आएगा, अल्टरनेट नहीं आएगा, स्पीच रिकॉग्निशन के साथ और लगेगा, और दोनों में से एक भी हमारे पास होगा ना तो हमारे पास कमांड चल पड़ेगी विंडो डॉट। एक होता मेरे पास वेब किट बनी बनाई होती है, वेब किट इसका नाम है स्पीच रिकॉग्निशन,
दोनों में से कुछ भी इसको मिल जाए ना, तो वहां पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑडियो फाइल ओपन हो जाएगी, बस इतना लिखना है। चलिए जे भी हो गया रेडी, इसको लगाना जरूरी है। जे नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको आपने चेंज नहीं करना। विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्निशन सेम रहेगा, सेम ही ये भी सेम रहेगा, इनके जे नाम है ठीक है। अब जहां पे आना है हमने कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, सेट कर दो रिस्पॉन्स को, कहाँ पे सेट करना है, एक यूज स्टेट बना देते हैं, इसके बीच ब्लैंक छोड़ दो, एक जहाँ पे कॉन्स्ट लोडिंग भी बना देते हैं, लोडिंग ताकि पता चले कि वहां पे कुछ लोड हो ही रहा है कि नहीं, ये ऑप्शनल है, नहीं भी लगाना आप लगा स्किप कर सकते हैं। तो लोडिंग को मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉल्स कर दूंगी। अब आपने आना है फ्रंट एंड पे, ये वाले इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर वैल्यू लिखी है ना, एक ऑन चेंज बनेगा, हम जो भी फिल करेंगे वो वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, की पास कर देंगे साथ में, सेट कर दो कमांड को, उसके अंदर वो वैल्यू सेट कर दो जो हम टाइप करेंगे, इसका मतलब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आएगा, जो भी आप कमांड अब टाइप करेंगे वो ये गेट करेगा, कमांड के वाली जो वेरिएबल है उसके अंदर जाके सेव कर देगा। ये वाला ओपन वाला बटन है, पहले इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बनेगा, जब कोई बंदा क्लिक करेगा देन एक फंक्शन ये वाला परफॉर्म होगा, हैंडल सबमिट का, सबमिट कर रहे हैं हमने किसको, कमांड को, तो हम ऐसे लिखेंगे, देन इसको हम कर देंगे डिसेबल्ड। डिसेबल्ड क्यों करेंगे, पहले एक ही बटन आएगा जहां पे हम इसको डिसेबल्ड कर देंगे, लोडिंग, ये काम आप बाद में आपको समझ आएगा हमने ऐसा लगाया क्यों है। अब ये वाला एक्सियोज है, इम्पोर्ट एक्सियोज, इधर स्पेलिंग गलत है, सिंगल कोट नहीं लगाए हमने, जहां पे जब भी हम ओपन पे क्लिक करेंगे ना तो जहां पे इसको डिसेबल कर देगा बटन को, और जहां पे आपका एक मैसेज आएगा कि ये ओपन हो चुका है, कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, बस वहां पे हम मैसेज प्रिंट करा देंगे ताकि हमारा बटन डिसेबल हो जाए, इसलिए मैंने जहाँ पे डिसेबल्ड लगा दिया, लोडिंग के टाइम हम इसको डिसेबल्ड कर देंगे इसलिए लोडिंग लगा दिया। अब ये वाला जो ओपन लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर कभी लोडिंग लिखाना चाहिए तो कभी जहाँ पे ओपन, तो मैं जहाँ पे क्या लिखूंगी, अगर लोडिंग है, इफ लोडिंग, तो मैं जहाँ पे ऐसे लिखूंगी ओपनिंग, इसका मतलब है आप थोड़ा सा वेट करें कि जहाँ पे ओपन हो रहा है ओपनिंग के बाद, नहीं तो जहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले से ही ओपन लिखा है बटन के ऊपर, तो वही लिखा नजर आएगा। यहाँ पे आना है सेम ऐसे ही ऑन क्लिक स्पीक वाले पे लगेगा, इसका नाम हम रख देते हैं, जब कोई बंदा क्लिक करेगा एक स्टार्ट लिसनिंग वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, हमारे फंक्शन हो गए सारे रेडी। अब जहाँ पे जो भी जब भी हम ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जब लिसनिंग पे क्लिक करेंगे, हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स हम प्रिंट करा देते हैं जहां से रिस्पॉन्स, ये आपको एक मैसेज बताएगा कि हाँ आपके पास ये वाली कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, तो बस यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे डिव, एक इसको आईडी लगा देते हैं, आईडी का नाम रख देते हैं रिस्पॉन्स, और जहां पे हम डिव को कर देते हैं बंद, इसके बीच प्रिंट कराने किसको, जो रिस्पॉन्स आएगा बैकएंड से, बस इसको प्रिंट करा देंगे। चलिए जी, जहां पे एक मैसेज आएगा कि आपके पास कैलकुलेटर ओपन हो चुका है सक्सेसफुली, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ जहाँ पे कमांड्स वर्क कर रही हैं। यहाँ पे आना है आपने कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं एक सॉन्ग्स नाम का, जो भी आप सॉन्ग्स से जहाँ पे ऐड करेंगे वो प्ले हो जाएंगे, फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, जहाँ पे आपके सॉन्ग का नेम आएगा, जहाँ पे उसका जो भी आईडी वगैरह वो मैं बाद में बताऊंगी सॉन्ग प्ले कैसे होगा, फिलहाल इसको हम बाद में करेंगे, इसको डिफाइन करके छोड़ दो। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक स्टार्ट लिसनिंग, ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, इफ नॉट स्पीच रिकॉग्निशन, अगर ये मेरे पास कुछ भी सुन नहीं रहा या फिर ये वर्क ही नहीं कर रहा, तो मुझे एक मैसेज मिल जाए कि आपके पास या ब्राउजर में कोई इशू है, वहां पे हम आपकी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या ऑडियो यहाँ पे फाइल ओपन नहीं हो सकती, तो वो हमें रिटर्न बिल्कुल ब्लैंक करेगा, बस ऐसे रिटर्न लगा दो, कुछ भी रिटर्न ही नहीं होगा। अगर कोई इश्यू आ गया कि हमारे पास जो मेरे पास ऑडियो फाइल नहीं चल रही है, ये सिर्फ तभी इश्यू होता है कि अगर आपके पास कोई कंपैटिबल ब्राउजर नहीं है, वहां पे आपकी ऑडियो फाइल नहीं चलती, वैसे तो सबके पास होती है, फिर भी हमने जहाँ पे कंडीशन लगानी है एक जहाँ पे इसके बाद नहीं तो,
अगर सब कुछ सही चला रहा है, कॉन्स्टेंट का क्रिएट कर लो, इसका नाम हम रेकोग्निशन रख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू, जहां पे स्पीच वाले को हमने करना है डिफाइन। ये हम अब डिफाइन करें स्पीच वाले को, अब वो वर्किंग में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो रेकोग्निशन जो मेरे पास है डॉट कॉन्टिन्यूस, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। मेरे पास एक कीवर्ड है, इसकी जगह हम कुछ और नहीं रख सकते, इसीलिए आपने सेम ऐसे ही रखना है कॉन्टिन्यूस। जहां पे हम इसको कर देंगे फॉल्स, कॉन्टिन्यूसली वो हमें सुनता रहे नहीं, मैं जहां पे जैसे स्टॉप हो गई वो भी वहां पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैंने बोलना बंद कर दिया वहां पे फुल स्टॉप लगा देगा, उसके बाद ये सुनना बंद कर देगा, क्योंकि मेरे पास कुछ छोटा सा टेक्स्ट होगा उसको सुनने के बाद ये बंद हो जाएगा। तो हम जहां पे फॉल्स कर देंगे, रेकोगनीशन जहां पे ऐड करेंगे डॉट, जहां पे लगाएंगे इंट्रिम। बहुत ही ध्यान से आपने जे वाले जो कीवर्ड है लगाने हैं, कुछ भी यहाँ पे गलत हो गया आपके पास आउटपुट नहीं आनी। इंट्रिम रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, रेकोगनीशन जहां पे ऐड करेंगे डॉट लैंग्वेज, जहां पे हिंदी भी यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे यूएस की इंग्लिश यूज करते हैं। अगर आपने हिंदी करनी है तो यहाँ पे इंडिया की एच आई हम लिखते हैं, INHI ऐसे, तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, रेकोगनीशन जहाँ पे हम टाइप करेंगे डॉट स्टार्ट, अब जहाँ पे जो स्पीकर रेकोगनीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपकी ऑडियो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो मेरे पास रेकोगनीशन है डॉट ऑन रिजल्ट, जिसको यूज करने का तरीका है इवेंट सिंटेक्स। मान लो ये सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं लेट के साथ स्पीच रिजल्ट, जो भी हम बोलेंगे इसके पीछे रिजल्ट आएगा, इवेंट डॉट रिजल्ट्स एरे के बीच आएगा, तो हम मेंशन करेंगे ऐसे डॉट, जहां पे ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर देंगे ट्रांसक्रिप्ट। अब जो भी हम बोलेंगे वो जाएगा इसके बीच, तो हम जैसे जैसे बोलेंगे उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद वो टाइप करेगा। ज्यादातर रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो मैं बताऊंगी, जो हम इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेंगे ना वो हमारे पास ओपन होनी है फाइल, वो जो टाइप करेंगे इसने टाइप करके हमें देना है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनेगा, सुनने के बाद टाइप कर देगा इनपुट फील्ड के अंदर। जहां पे आना है कंसोल में, अगर आप लगाना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि एरर है कि नहीं, कोई एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं स्पीच, यहां पे आएगा कि आपने जे बोला है टू, अब जे लगाना जरूरी है टू लोअर केस, ये मैं बाद में बताऊंगी एक्चुअल में ये काम करेगा कैसे। मैं जहां पे लोअर केस लगा दूंगी, हम जो भी बोलेंगे ना उसको जे टाइप करेगा इनपुट फील्ड के अंदर जाके। अब वहां पे अगर आप कैपिटल में कुछ टाइप करते हैं उसका मीनिंग कुछ कुछ अलग है, अगर आप स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं उसका मीनिंग कुछ अलग है, तो इसको हम टाइप जो लोअर केस में वो बाद में करेंगे। सिंपल जहाँ पे हम स्पीच वाला पहले रिजल्ट प्रिंट करा देते हैं स्पीच रिजल्ट के अंदर, ताकि मुझे वहां पे कंसोल में जाके देखे कि मैंने क्या बोला है, तो आपको वहां पे मैसेज दिख जाएगा कि आपने ये वाला टाइप किया है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये वैल्यू गेट कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी हम टाइप करेंगे जब बोलेंगे वो रिजल्ट इसके अंदर जाएगा, इसको उठा के हम प्रिंट करा देंगे कंसोल में। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है स्पीच रिजल्ट इज इक्वल टू, जो मेरे पास स्पीच रिजल्ट है उसको कर दो टू लोअर केस में। ये छोटा सा स्टेप है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके पास कुछ भी ओपन ही नहीं होगा। अगर आपने कैलकुलेटर ओपन करना ना, ये बेसिकली ऐसे लिखेगा कैलकुलेटर, इसने ऐसे टाइप करके देना है विद फुल स्टॉप, ये होगा जो इसने टाइप करके देना है, लेकिन जो हो सकता है यूजर ने टाइप करना है वो कुछ ऐसे ही होगा, जो मैंने कोड लगाना है वहां पे मैंने कुछ ऐसे लिखा होगा। जब कोई बंदा ऐसे नॉर्मल कैलकुलेटर टाइप करेगा तो कैलकुलेटर ओपन हो, लेकिन जो जे टाइप हमें करके देगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, इसीलिए वहां पे टू लोअर केस करेंगे कि जहां पे कैलकुलेटर ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सेट कर दो आपका जो कमांड वाला वेरिएबल है उसके अंदर स्पीच वाला जो है ना जो हम बोल रहे थे वो वहां पे जाके टाइप हो जाए। ये मेरे पास मेरा वेरिएबल है उसके अंदर वो वाला टाइप करो जो आपने बोला है, देन हैंडल सबमिट वाला जो बटन होगा एक वो वर्किंग में आ जाएगा,
उसको बोलो जो स्पीच रिजल्ट है उसको सबमिट कर दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट रेडी फंक्शन। जहां पे आना है जो मेरे पास रिकॉग्निशन है, डॉट ऑन एरर, एक होता है ऑन रिजल्ट, एक होता है ऑन एरर, एक होता है ऑन एंड, एक होता है स्टार्ट। ये सब हमने एक कमांड लगानी होती है। ऑन रिजल्ट हो गया, अब ऑन एरर की बारी है। अगर इसमें कोई भी इश्यू हुआ तो जहां पे आके कंसोल में, कंसोल डॉट एरर में जाके मुझे एक एरर प्रिंट करा दे, स्पीच रिकॉग्निशन एरर, यही प्रिंट करा देते हैं। चलिए एरर वाला हो गया। ऐसे ही मेरे पास एक रिकॉग्निशन आएगा डॉट ऑन एंड, इसको एंड भी करना होता है। यहाँ पे लगाओ कंसोल डॉट लॉग में जाके स्पीच स्टॉप्ड, कि जहां पे ये बंद हो चुका है अब ये नहीं सुनेगा। ठीक है, ये सारे ये कमांड आपने लगानी है तभी ये कंप्लीट होगा कोड। अब ये वाला जहां पे हो गया खत्म, कंप्लीट हो गया ये वाला एक फंक्शन। अब बारी आती है हैंडल की, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट के साथ हमने असिंक लगाना है, ये वाला आपने कमांड पास करना है असिंक। एक यहाँ पे हम लिखेंगे सी एम टी, अब ये कमांड फॉलो करेगा सी एम टी के साथ। मैं इसको बोलूंगी जो भी कमांड आएगी वो सी एम टी पे चली जाए, जैसे हमारे पास सी एम टी होता है ना, वहां पे हम कमांड्स लिखते हैं, ये वही स्टेप है, कमांड के साथ ही ये फॉलो करेगा। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, इसका नाम हम रख देते हैं कमांड स्ट्रिंग। वो एक स्ट्रिंग में होगा, एबीसी जैसे हम टाइप करेंगे, कैलकुलेटर एक स्ट्रिंग होगी तो वो सी एम टी होगी। ठीक है, सी एम टी डॉट ट्रिम, ट्रिम हम मेथड लगाएंगे, वो जब भी इनपुट फील्ड जाके चेक करेगा वहां पे कैलकुलेटर लिखा नजर आएगा, वो कैलकुलेटर को रीड करेगा ट्रिम करके। ठीक है, देन इफ नॉट कमांड स्ट्रिंग, अगर उसको कोई कमांड नहीं मिली देन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। अगर वहां पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, पहली तो ये कंडीशन होगी। इसके बाद सेट कर दो, अगर सब कुछ सही चल रहा है, सेट रिस्पॉन्स ब्लैंक, अगर जहां पे कुछ भी नहीं लिखा होगा सेट लोडिंग को कर दो ट्रू। बस अब जहां पे हम लगाएंगे ट्राई कैच, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। इफ कमांड स्ट्रिंग है, वहां पे कुछ ना कुछ टाइप किया हुआ है इनपुट फील्ड के अंदर डॉट, तो हम क्या करेंगे स्टार्ट, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट्स आएगा, ऐसा नहीं स्टार्ट स्टार्ट्स विद, बस ये हमारे पास की कीवर्ड है, इसको लगाना है प्ले। अब ये प्ले कहाँ से आएगा, ये ही प्ले हमारा वो कीवर्ड होगा जो हम बोलेंगे। मैं उसको बोलूंगी प्ले सॉन्ग, प्ले कैलकुलेटर, कुछ ऐसे ही हमने बोलना है। तो ये कमांड की जगह आप कुछ ही रख सकते हैं, मैंने जहाँ पे पहले प्ले लगा दिया। देन मैं बताऊंगी कैसे कैसे ये वर्क करेगा, जैसे जैसे हम कोड लगाते जाएंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। एंटर करो, जहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लो, पहले तो सॉन्ग नेम मुझे चाहिए, तो मैं जहाँ पे सॉन्ग नेम लिखूंगी, सॉन्ग नेम को हम इसके बीच ऐड कर देंगे, जो मेरे पास कमांड स्ट्रिंग होगा ना वेरिएबल डॉट, वो रिप्लेस कर देगा किसको, अब जहां पे जो मैंने लिख दिया प्ले। अब देखो यही हमारे पास एक मेन कमांड होगी डॉट ट्रिंग, दो जगह मैंने प्ले लिखा है, जहां पे आप प्ले ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये प्ले कुछ भी हो सकता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला जो प्ले होगा ये आपके सॉन्ग को प्ले करेगा, ये प्ले इसी के लिए है, स्टार्स विद प्ले, मतलब वहां पे आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले होके आएगा। ये वाला जो प्ले लिखा है ये वो होगा प्ले प्ले सॉन्ग, मैंने बोलना जो है, जहां से आपकी रिकॉग्निशन स्टार्ट होगी स्पीच के लिए आपने बोलना है। अगर मैं हेलो लिख दी ना, मैं वहां पे जाके बोलूंगी हेलो सॉन्ग, हेलो कैलकुलेटर, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो जहां पे आप अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहें, या आप ऐसे लिखो मुझे ड्राइंग करनी है, तो वो जाके आपकी कमांड पेंट वाली ओपन करेगा। आप ऐसा लिखो मुझे सॉन्ग सुनना है, अगर हिंदी में टाइप करेंगे तो वो जाके देखेगा जे वाली मुझे सॉन्ग सुनना है, वहां पे जो कमांड होगी चेक करेगा जो किधर है, वहां पे जाके वही कमांड प्ले कर देगा। ये वाला जो कीवर्ड है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, फनी भी रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे सॉन्ग आईडी, सॉन्ग से जो भी है मेरे पास, जहां पे रखेंगे सॉन्ग नेम, ये हम नेम वगैरह डिफाइन करेंगे तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाला मैंने सॉन्ग अभी प्ले करना है, ये वाला प्ले करना है, वो मैं बताऊंगी कैसे लगाना है। इफ सॉन्ग आईडी, सॉन्ग कैसे प्ले करेगा विंडो डॉट ओपन,
सबसे पहले तो चेक करेगा कौन सी आईडी मैंने इसको बोली है प्ले करने के लिए। अब वहां पे मैंने मल्टीपल 10-15 सॉन्ग ऐड कर दिए आईडी के साथ होने, वो चेक करेगा मैंने कौन सी आईडी इसको बोली है, वही जाके सॉन्ग को प्ले करेगा। उससे पहले एक विंडो ओपन होगी यूट्यूब की, तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी विंडो डॉट ओपन, जहां पे आपने यूट्यूब का बनाना है यूआरएल HTTPS, जो इनकी वेबसाइट है www. यहाँ पे लिखो यूट्यूब, जो भी ओपन करवाना चाहते हैं youtube.com। आप गूगल भी ओपन करा सकते हैं। साथ में आएगा वॉच, वॉच के साथ में आएगा वी। अगर आपने कभी ध्यान से यूट्यूब को सुना हो या देखा हो उनका यूआरएल, जब भी कोई हम सॉन्ग प्ले करते हैं जे फॉर्मेट होता है यहां तक। इसके बाद आती है एक आईडी, आईडी के साथ आप पहले जाके चेक करो यूट्यूब पे, तो आप बिल्कुल ऐसा ही वहां पे फॉर्मेट पाएंगे जहां पे एक आएगी आईडी। अब जे क्या करेगा, जे आपके सॉन्ग को कंप्लीटली बिना किसी रुकावट के प्ले करके देगा ऑटोमेटिकली। अगर आप जे नहीं लगाएंगे, आप जहां तक भी लगा सकते तब भी वर्क करेगा, लेकिन वो आपके लिए यूट्यूब ओपन करेगा, आपके सॉन्ग को सर्च कर देगा लेकिन प्ले नहीं करेगा। तो मेरे पास यही पहले इशू आ रहा था, ऐसे नहीं जो डायरेक्ट बन गया प्रोजेक्ट, मेरे पास ये प्ले करके ही नहीं दे रहा था, तो मैंने जहाँ पे जे वाला लगा दिया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली प्ले कर रहा था सॉन्ग। तो किस सॉन्ग को प्ले करेगा, जो हम आईडी के साथ उसको बोलेंगे, वो आईडी चेक कर लेगा, देन कॉमा लगा के जहाँ पे हम बुलाएंगे, एक गाना है एक ब्लैंक। अब जे भी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है इवन, जे क्या करेगा नई टैब में जाके ओपन करेगा। ऐसा नहीं कि उसी टैब के अंदर जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसी टैब के ओपन ऊपर ओपन करना है। जब भी मेरे पास सॉन्ग प्ले होगा ना, इधर मेरे पास ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये एक नई टैब ओपन करेगा अपने आप, वहां पे जाके सॉन्ग प्ले कर देगा। अगर आप ब्लैंक नहीं लगाएंगे, जिधर आपका प्रोजेक्ट है वहां पे जाके ही ये प्ले कर देगा, तो आपको फिर से बैक आना पड़ेगा। और ब्लैंक ब्लैंक हो गया, अब चलते हैं जहाँ जहाँ पे आके सेट कर दो रिस्पॉन्स, वहां पे आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो सॉन्ग प्लेइंग, यहाँ पे हम लिखेंगे जे वाला सिंबल प्रेस करना है, इसके बीच लिखेंगे प्लेइंग डॉलर रिस्पॉन्स क्या है। वहां पे जो आपको एक स्प्रिंग, यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको एक मैसेज रिस्पॉन्स प्रिंट होगा जहाँ पे एक बॉक्स के अंदर, ये हमारे पास मुझे लगता है कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग वगैरह गलत है, किधर है मेरे पास इशू। कॉन्टिन्यूज वाला किधर है, CON, सही तो है CONTIN UOUS, ये भी सही है। क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा यहाँ पे असाइनमेंट का इशू है, असाइनमेंट मतलब जे वाला। अच्छा यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूस के साथ जे लिखा हुआ है, वो नहीं आना, जे का फंक्शन बन गया था, मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दी ना, वो एक फंक्शन बन गया था इसीलिए मिस्टेक थी। इसको रिफ्रेश करते, अब यहाँ पे इशू है ट्राई वाले पे, क्योंकि अभी तक हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ, कैच भी लगना है। जहां पे आते हैं ये वाला, आपको फ्रंट एंड पे आपको बताएगा एक स्ट्रिंग एक मैसेज के साथ कि ये वाला सॉन्ग प्ले हुआ है या हो रहा है, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देन आना है आपने प्लेइंग हो गया, एल्स लगाते हैं, एल्स में जाके अब हम क्या करेंगे, सॉन्ग नेम अगर कंसोल डॉट लॉग में जाके जहां पे हम लिखेंगे अवेलेबल सॉन्ग्स, मुझे जहाँ पे लिस्ट चाहिए, मुझे पता तो चले क्या जो मैंने टाइप किया है वो मेरे लिस्ट के अंदर है भी है कि नहीं सॉन्ग, तो मैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेंशन करूंगी, तो जहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सारे सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स मैंने जहाँ पे अपना वेरिएबल बनाया था ये वाला, इसके अंदर हमें सॉन्ग्स ऐड करने, तो वो वाले सॉन्ग्स हमें सारे प्रिंट हो जाए कंसोल में जाके, ताकि मैं चेक भी कर पाऊँ कि मेरे पास कितने सॉन्ग है और क्या जो मैंने टाइप किया वो सॉन्ग लिस्ट में है या नहीं। सेट कर देंगे रिस्पॉन्स के अंदर सॉन्ग नॉट फाउंड, अगर वो वाला सॉन्ग नहीं मिला जो मैंने टाइप किया तो मुझे एक मैसेज मिल जाए, तो ये भी डिबगिंग भी साथ साथ में जरूरी है। अभी ये तो कमांड सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग को हैंडल करने के लिए है, ये ही थोड़ी मुश्किल कमांड है, बाकी तो सब इजी है। सॉन्ग प्ले करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
बाकी जो कमांड है उसका कोड बहुत ही आसान है। अब आपने एल्स वाले पार्ट पे आना है, एल्स वाला जो दूसरा है। मेरे पास इफ कंडीशन मैंने लगाई है जे वाली, इफ एक जे वाली खत्म होगी ना, अब हमने जहां पे लगानी है एल्स। एल्स हमें लगाएंगे जे वाली, एल्स जहां पे खत्म है ना इधर लगेगी एल्स। बाकी सारी कमांड ओपन करनी है तो कॉन्स्ट क्रिएट कर लो आर ई एस नाम से, अवेट लगेगा एक्सियोज। कमांड्स हमने अपनी तरफ से बनानी है खुद, एक्सेस डॉट पोस्ट एक एपीआई बनाएंगे, HTTP, लोकल होस्ट आपका 5,000 पे होगा। जहां पे जो मैंने एक ओपन वाली बनाई है ना उधर कमांड बैकएंड पे, वो वाली वर्किंग में आ जाएगी। ओपन करना है किसको, जो मैं कमांड लिखूंगी, कमांड जो मेरे पास उसके अंदर स्ट्रिंग होगी, बस उसको ओपन करना है। इतना बताओ इसको, जहां पे आ जाओ एंटर करो, सेट कर दो रिस्पॉन्स को, जो वहां से डेटा आएगा। ये तो हो गया रेडी, ठीक है, एस कंडीशन हमारी होगी रेडी। जहां पे अभी एक कैच लगा देते हैं, एरर सेट कर दो रिस्पॉन्स के अंदर, एक एरर आपको फ्रंट एंड पे भी एरर दिख जाएगी, रिस्पॉन्स एरर डॉट, जो भी एरर होगी एक्चुअल में जो एरर है वो हम फेच कर रहे हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे इश्यू चल रहा है। तो मैं जहाँ पे एक प्रिंट करा देती हूँ एरर डॉट मैसेज, ये होगी डिबगिंग हमारी कंप्लीट। फाइनली लगा देते हैं, फाइनली फाइनली मतलब जहाँ पे ऐड करो लोडिंग को हम लास्ट में जाके फॉल्स कर देंगे। ऐसा ना हो मेरे पास आउटपुट भी आ रही है फिर भी वहां पे लोडिंग चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइनली हमारा फ्रंट एंड हो गया रेडी फाइनली। अब चलते हैं बैक एंड पे। अब हमने जो कमांड्स बनानी है ये वाली, इसको कैसे पता चलेगा, कैलकुलेटर कैसे ऑन करना है, पेंट कैसे ऑन करना है, तो वो सारा काम होगा बैक एंड पे। यहाँ पे आना है, ये वाली कमांड हमने बनाई है ना, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, क्रिएट नहीं करना जस्ट यूज करना है फ्रंट एंड से, कौन सा कमांड वाला, क्योंकि इसी के साथ पूरा काम होगा। जो भी यूजर कमांड यहाँ पे ऐड करेगा, थोड़ी सी स्पेस लगा दो, कमांड को यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ। लेट लेट लगाना भी कॉन्स्ट ना लगाना, नहीं तो इश्यू आ सकता है, क्योंकि वहां पे मैंने कमांड से चेंज करते रहना, वहां पे डेटा चेंज होता रहेगा, इसलिए मैंने लेट लगाया है। ऐप कमांड कोई भी नाम देना है, ब्लैंक छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या करेगा, ऐप कमांड को यूज करेगा, मतलब जो भी कमांड हम इसको बोलेंगे वो जहां पे आएगी, ठीक है। अब लगेगा जहां पे स्विच केस, अगर आपको स्विच का स्टेटमेंट नहीं आती ना, हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इवन हमने कई बार स्कूलिंग में भी सीखी होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे केसेस बना देते हैं। कमांड क्रिएट की मैंने, ठीक है, आपका मेन एक वेरिएबल आएगा डॉट, अब यहाँ पे लगाना बहुत ही जरूरी है टू लोअर केस, जो भी टाइप करेंगे वो लोअर केस में हो। केस पहला बनेगा मेरे पास पेंट का, पेंट मैंने टाइप कर दिया, तो हम क्या करेंगे ऐप कमांड यूज करेंगे। कमांड क्या होगी, हमें हम इसको अपने मशीन या लैपटॉप के अंदर इसको बोलते हैं MS पेंट, ये ओपन इसके साथ नहीं करेगा, ये ओपन इसके साथ करेगा, ये वो कमांड है जो आप बोलेंगे। मैंने पेंट का टाइप किया, वो पेंट ओपन कर देगा। इस कमांड को आप कुछ भी लिख दो, जहाँ पे इसको ऐसे लिखो मुझे ड्राइंग करनी है, आप अगर जहाँ पे मुझे ड्राइंग करनी है लिखेंगे ना, उधर जाके फ्रंट एंड में मुझे ड्राइंग करनी है टाइप करेंगे, वो आपको पेंट ओपन करके दे देगा। उसके बाद एक लगेगी ब्रेक, एक कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन लास्ट में जाके एक डिफॉल्ट लगाएंगे, डिफॉल्ट रिटर्न कर देगा हमें, क्या रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, जब तक रिटर्न नहीं करेंगे हमें वहां पे आउटपुट नहीं दिखेगी। डॉट सेंड क्या हमें भेजेगा, जहां पे ये वाला सिंपल प्रेस कर लो, कमांड डॉलर के साथ ऐसा करते हैं, कमांड नॉट सिंपल प्रिंट करा दें। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करा दूं कमांड वाला, ताकि मुझे पता चले उसको ये वाली कमांड नहीं मिली, नॉट फाउंड। अगर मैंने पेंट उसको बोल दिया, जब डबल टी मैंने टाइप कर दिया, वो मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कराएगा कि ये मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। अभी ये ऐसे ही नहीं चलेगा, अब हमने आना है जहाँ पे जो हमने एक लाइब्रेरी यूज की थी ई एक्स
ईसी वाली, ये क्या करेगा, जो ऐप कमांड है उसको एक्सेप्ट करके एरर, साथ में एरर भी बताएगा, इफ एरर, अगर कोई एरर है रिटर्न कर देगा मुझे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके 500 में लगा देते हैं, सेंड कर दे, फेल्ड फेल्ड टू ओपन, कि नहीं जे हम आपकी जो कमांड है या सॉफ्टवेयर कुछ भी है उसको ओपन नहीं कर सकते, इतना हमें बताएगा, नहीं तो एल्स में जाके जहाँ पे रिस्पॉन्स में डॉट जे वाला ओपन कर देते हैं, 200 में हमें ये सक्सेसफुली कमांड बताएगा कि जे वाली कमांड ओपन हो चुकी है, जे एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब होप है कि हमारे पास ये कमांड चल पड़ेगी, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। अगर मैं जहाँ पे टाइप करूँ पेंट, ओपन करेंगे, ओपनिंग लिखा नजर आ रहा है ना, पेंट ओपन हो गया बस। अब हम दूसरी कमांड लगाते हैं, स्पीच वाला बाद में करेंगे, पहले जहाँ पे ही आते हैं, सारी कमांड लगानी है, बस कमांड आपको पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के लगा दिया। इसको मैं एबीसी टाइप कर देती हूँ, मैं जहाँ पे आगे एबीसी लिखूंगी, ओपन किया, पेंट ओपन हो गया ना। अब आपने जहाँ पे कुछ भी लिखना, आप टास्क वन लिख दो, टास्क टू, अगर आपको याद करना मैंने ये वाला टास्क परफॉर्म करना कुछ भी, मैं जहाँ पे पेंट ही लिखूंगी, जे एबीसी लिख देते हैं चलो। और जहां पे आना है ब्रेक के बाद नया केस बनाओ, इसको हम रखेंगे फाइल मैनेजर, ये वाला कुछ भी रख सकते हैं, बस जो आपके पास मैच करता होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ऐप कमांड के अंदर इसको हम एक्सप्लोरर बोलते हैं, ना कि फाइल मैनेजर, तो आपने ऐसे ही लिखना है। दो केस बन गए, कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट करो, नेक्स्ट कमांड नोटपैड, नोटपैड यहाँ पे आएगा नोटपैड, ये भी हो गया रेडी। और कैलकुलेटर भी ओपन करना तो यहाँ पे लगा दो, कैलकुलेटर कैलकुलेटर नहीं लिखेंगे हम, जहाँ पे सी ए एल सी बोलते हैं इसको, कैलकुलेटर कंप्लीट नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमने लिखना है। अगर आपने कमांड सी एम डी ओपन करवाना है तो मैं जहाँ पे लिखूंगी आके सी एम डी बोला, तो ये क्या करेगा, सी एम डी ओपन करेगा बस। टास्क मैनेजर हो गया, क्रोम भी हो गया, क्रोम भी टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये डायरेक्ट हमें ओपन करवा दे, कई बार इसका जो फाइल पाथ है ना वो मिलता नहीं है, तो मैं जहाँ पे क्रोम अगर टाइप करूँ, क्रोम स्टार्ट लिख देते हैं साथ में, स्टार्ट क्रोम, एक बार इसको टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करो। अगर मैं जहाँ पे पहले देखो, मैं सिंपल है सी एल लिख देते हैं, जो कैलकुलेटर कंप्लीट लिखते हैं लेकिन विद कैपिटल सी, कैपिटल सी लिखा, ओपन किया, नहीं ओपन होगा, अच्छा हो गया जहाँ पे, क्योंकि हमने जहाँ पे टू लोअर केस लगाया हुआ है, बेशक कोई लोअर में टाइप करे बेशक कोई कैपिटल है, अब लास्ट में जाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, ओपन किया, यहाँ पे देखो इधर एक लिखा नजर आ रहा है मैसेज, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डॉट लगा हुआ है, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, यही ज्यादा काम आएगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना वो लास्ट में फुल स्टॉप लगाता है, हमें सुन के जब ये टाइप करेगा लास्ट में फुल स्टॉप लगाएगा कई बार, अगर आप जहाँ पे आके फुल स्टॉप लगा दें, कैलकुलेटर के बाद जहाँ पे लगा दो फुल स्टॉप, इसको ओपन करो, ओपन हो गया, ओपन, बस वहां से जो मैच करनी चाहिए, ठीक है कमांड, चलिए इसको हम हटा देते हैं स्टॉप को, जहां पे आयो क्रोम ओपन करना है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, कमांड क्या थी मेरे पास, क्रोम ओपन, तो जहां पे ये कमांड ये हो गया ओपन, बस सही है कमांड इसने चला दी है। चलिए ये मेरे पास कमांड ये भी चल गई, अब बारी आती है स्पीच की, तो मैं जहां पे इसको रिफ्रेश करते हैं, जहां पे ध्यान देना, अब आपके पास ऑडियो ओपन होगी, क्रोम यहाँ पे देखो, जो भी इसको समझ आएगा ना बस वही इसने टाइप कर देना। अब आपने बहुत ही धीरे धीरे बोलना है, बहुत ही क्लियर बोलना है, आपका जो भी माइक होगा ना उसको बिल्कुल अपने फेस के सामने लेके आना है, फिर आपने बोलना है कैलकुलेटर,
अब देखो मेरे पास इशू आ गया ना, यहाँ पे इसने क्या किया, लास्ट में आके फुल स्टॉप लगा दिया, इसलिए मेरे पास यहाँ पे आई है एरर। अब इसको हम करेंगे रिमूव। तो मैं जहाँ पे क्या करूंगी, दो इशू होते हैं, या तो आप यहाँ पे इसको इधर से मैन्युअली खुद हटा दें, नहीं तो आप यहाँ पे आके हर एक के साथ लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दो। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, इधर भी, क्योंकि जे इसका नेचर ही है, जब भी जे हमें सुनेगा तो लास्ट में एक फुल स्टॉप जरूर लगाएगा। तो मैं जहां पे फुल स्टॉप लगा देती हूँ, इसको रिफ्रेश करके मैं फिर से यहाँ पे बोलती हूँ, कैलकुलेटर। चलिए जी, हमारे पास स्पीच कमांड भी चल पड़ी है। अब हम इसको बोलते हैं सीएमडी ओपन करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगी सीएमडी, देख लेते हैं ओपन हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा, नहीं। सीएमडी अगर मैं यहाँ पे लास्ट पे ये भी लगा दूं फुल स्टॉप, जहाँ पे ओपनिंग लिखा नजर आ रहा लेकिन सीएमडी ओपन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे आके कोई भी कमांड आपके पास ना चले ना, वहां पे स्टार्ट लगा दो। कई बार जो स्टार्ट के साथ वर्क करेगा, तो मैं जहाँ पे फिर से ऐसे ही रहने दो, तो ये ओपन तो हो गया, ठीक है। अब हम इसको बोल के देखते हैं, टेस्ट करते हैं सीएमडी। चलिए ये भी हो गया सही, सही चल रहा है हमारे पास जो पूरा प्रोजेक्ट है। और अब बस हमारा लास्ट काम है, हमने सॉन्ग प्ले करना है। सॉन्ग प्ले करने के लिए आपने पहले यूट्यूब पे आके वो सॉन्ग प्ले करना है जो आप वहां पे ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने ये वाला मान लो सॉन्ग प्ले करना है, ये लास्ट पे एक आईडी होती है, बस इस आईडी को कॉपी करना है, इज इक्वल टू के बाद जो आईडी मिलेगी इसको कॉपी करना है, फ्रंट एंड पे आना है, ये वाला सॉन्ग्स वाला है ना मेरे पास वेरिएबल, राइट साइड पे आके आईडी यहाँ पे लिख दो, जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जूनी का आप नाम रखना, मैं इसका नाम साहिबा रख देती हूँ, या इसका नाम कुछ और रख देते हैं, सॉन्ग वन, मैंने इसका नाम सॉन्ग वन रख दिया। जैसे ही मैं सॉन्ग वन टाइप करूंगी, अब मेरे पास ये सॉन्ग वन प्ले होना चाहिए। पहले तो हम यहाँ पे ऐसे ही टाइप करेंगे सॉन्ग वन। अब जहाँ पे आपने ध्यान देना, जैसे ही ओपन करूंगी यहाँ पे एरर आएगा, एरर है जे वाला कि जे इसको मिल ही नहीं रहा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने सॉन्ग प्ले कराना है आपने साथ में एक प्ले कीवर्ड बोलना है, हुआ है जे वाला, इधर आप जो भी लिखेंगे ना वो आपने साथ में बोलना है। मतलब यहाँ पे अगर मैं अगर प्ले सॉन्ग वन लिखूं, ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो न्यू टैब ओपन होगी और जहाँ से सॉन्ग अपने आप प्ले हो जाएगा, ठीक है, इधर सॉन्ग अपने आप प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली प्ले हो गया है न्यू टैब के अंदर। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ से प्ले सॉन्ग वन। अब देखो जहाँ पे इशू आ गया ना, इधर इसने जैसे ही हम बोलते हैं, बोलने के बाद ये एक फुल स्टॉप लगा देता है। अब आपने क्या करना है, जो भी आप वहां पे नाम रखेंगे, इधर सॉन्ग के साथ नाम रखेंगे ना, इधर हमने मैंने जहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, इसके साथ हम डॉट लगा देते हैं फुल स्टॉप, ताकि वो प्ले हो जाए। अब मैं इसको अगर ओपन करूं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और साथ में स्पेस भी आ गई, तो आपने नाम कुछ ऐसा रखना है, जैसे मैंने सॉन्ग वन रख रखा हुआ है ना, इसका नाम हम कुछ और रखते हैं, जिसका नाम है एक्चुअल में वही रखेंगे, साथ में डॉट लगा देंगे, ताकि वहां पे कोई भी स्पेस वगैरह का इशू ना हो। जी आपने बहुत ध्यान से काम करना है, आप पहले इधर टेस्ट कर लो कि एक्चुअल में ये कैसे उसको लिसन करता है, जैसे टाइप करेगा वैसा आप वहां पे जाके कोड चेंज कर दो, प्ले साहिबा। अब देखो बिल्कुल उसने सही रीड किया, जहाँ पे देखो प्ले साहिबा इधर लिखा हुआ है ना, साथ में प्ले आपने जरूर बोलना है। अब मेरे पास ये दूसरा सॉन्ग है, तो अब हमने इस सॉन्ग की आईडी कॉपी करनी है, यहाँ पे आओ, इधर राइट साइड में आईडी होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में आप कुछ कीवर्ड रखो, तो मैं इसी का नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं सॉन्ग, अकेला सॉन्ग ही रख देते हैं। अगर मैं ऐसे ही लिखूं तो मैं जहां पे जाके टाइप करूंगी प्ले सॉन्ग, पहले ऐसे ही टेस्ट करते हैं, ओपन किया तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको हटा दो, ओपन किया तो यहाँ पे प्ले हो गया, वापिस आओ। अब जहाँ पे आपने ज्यादा से फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि अगर आप साथ में स्पीच वाला परफॉर्म करना चाहते हैं ना, वहां पे जो फुल स्टॉप लगेगा ही, क्योंकि जिसका नेचर है ये बात खत्म होने के बाद फुल स्टॉप जरूर लगाता है, ए आई है ये। जहां पे अगर मैं इसको बोलूं प्ले सॉन्ग, तो यहाँ पे देखो प्ले हो गया, इसको बिल्कुल वहां से जो सही पाथ है वो मिल गया, यहाँ पे इसने टाइप क्या किया प्ले सॉन्ग, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया प्ले सॉन्ग। बस ऐसे ही आप अपना बहुत ही प्यारा से इसको भी एडवांस जितना मर्जी एडवांस करते जाओ, कंप्लीट एक अपना ए आई असिस्टेंट बना सकते हैं अलेक्सा की तरह। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक का कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।